एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। बात करेंगे राखी सावंत की, क्योंकि राखी सावंत पिछले दिनों रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी, अपने लॉयर के साथ तनुश्री दत्ता के खिलाफ केस करने गई थी। लेकिन अब राखी सावंत का नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आग से बचाते हुए नजर आ रही हैं। उनके जिम में आग लग गई, ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आई, और साथ में राखी सावंत के ढेर सारे बच्चे चल रहे हैं। क्या ये पूरी वीडियो देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं तो अभी आ रही हूँ, काफी एक महीने से आ रही हूँ। राखी जी कैसे आग लगी आपको कुछ बताएं? वो बताओ। आज मैं मॉल है, मॉल में तो चाय वालों को नहीं देना चाहिए ना, काम से गैस सिलेंडर फटा होगा। इधर वायरिंग में हाँ भाई, अभी मैं इसको लिफ्ट में कैसे जाऊंगी पता नहीं। राखी जी जाओ ना, पीछे जाओ ना। राखी जी आगे लग गए यहाँ तो। अरे तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मेरा पन्ना शॉपिंग मॉल में आग लग गई टोटल। अभी क्या होगा, मेरा जिम कैसे जाऊंगा? चलो आप जाइए, चलो क्या ये टाइम पास करने की जगह है क्या? एक मिनट मिनट इधर राखी जी, ये साइड है, ये राखी जी मेरे पे है, ऑटो भी नहीं मिल रहा मेरे पे, आ जाओ जाओ एक बाइक कर लेते हैं। अरे बाइक मैंने मिल गया है, आयो राखी जाओ। राखी जी आपको क्या पता है कैसे आग लगी? अरे पता है मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आगे लग जाती है, हटो। तो राखी जी आज कल कैसे जिम करेंगे? अरे अंदर सब फंसे हुए हैं, फायर ब्रिगेड निकाल रहे हैं। ये मुंबई में स्ट्रिक्टली होना चाहिए, किसी भी मॉल में ना ये शॉर्ट सर्किट, ये जो वायर है। अरे चलो ना, अरे देखो उधर तुम लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो, अंदर से मॉल में लोग फंसे उनको निकालो, चल चले हटो आगे चलो। अरे मेरे को आज ही बुरखा नहीं पहनना था क्या? चलो कैसे हो, क्या हो गया? मैं आज ही जिम में आई थी और आज ही बुरखा नहीं पहना मैंने, देखो चलो। अरे चलो ये हीरो थप्पड़ मारूंगी, हीरो ही बच्चे जल्दी आज हटो, चलो पीछे। अरे चलो ना भाई, राखी जी जब आग लगी आपको क्या पता चला? मॉल में आग लग गई है। राखी जी कभी आग लगा आपको कैसे लगा? तू मेरे पीछे क्यों चल रहा है, तेरे को नहीं पता कैसे लगा सिलेंडर फूटा? तेरे को मॉल में सिलेंडर फूटा? राखी जी आपको कब पता चला कि यहाँ पे आग लगी? मैं जिम करने आई और बाहर देखा तो पूरा मॉल में आग लगी है, मेरा ग्लव्स, मेरा जिम का बैग सब जल गया। चलो आगे। अरे ऑटो दो, अरे चलो ये मुंबई में पता नहीं मॉलों में हर जगह आग क्यों इतना लगती है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता पता नहीं, ना मुंबई के ना ये गड्ढे भरते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के मुंह के गड्ढे भर गए, लेकिन ये मुंबई के रोड के गड्ढे कब भरेंगे पता नहीं, पता नहीं क्या बात है। मुंबई में हर जगह आग लग रही है, चल 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 चलो, चलो हर जगह जहाँ राजस्थान पहुँच जा। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मैं जहाँ पहुँचे वहाँ आग लग जाती। फायर फायर नहीं।
राखी सावंत की इस वीडियो पर फैंस अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। कुछ लोग ड्रामा क्वीन कहते हैं तो कुछ लोग राखी की इन्हीं वीडियो पर इन्हीं अदाओं पर कहते हैं कि कभी राखी रोती हैं तो कभी राखी हंसते मुस्कुराते हुए नजर आती हैं। राखी सावंत कब सही होती हैं, कब वो रोने लगती हैं, कब वो हंसती हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राखी सावंत पर कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं चल रही है। इस तरीके के मिजाज वाली राखी सावंत इन दिनों वैसे कंट्रोवर्सी में तो बड़ी मुश्किल तरीके से फंसी हुई हैं। और ये जो पूरा मामला है वो लगातार और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गड़े मुर्दे जो हैं वो राखी सावंत के फिर से उछाले जा रहे हैं और इसी वजह से जो केस है वो और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है। एक के बाद एक जो केसेस हैं, जो FIR है वो दर्ज हो रही है, जिससे राखी को इन दिनों काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका जिक्र खुद राखी ने कहा था कि मुझे अब काम नहीं मिल रहा, मुझे जिस तरीके से काम मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं मेरे से, जो काम जिन लोगों ने मेरे से काम लिए थे वो भी छीन रहे हैं मेरे से काम, जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते थे वो अब करना नहीं चाहते, पैसों की तंगी आ गई। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो राखी सावंत कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राखी सावंत को लेकर के जो लोग हैं वो कमेंट की बहार कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग हैं जो आदिल के सपोर्ट में हैं वो राखी को ट्रोल करते हैं, तो वहीं राखी के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो राखी को ब्लेसिंग्स देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, आदिल खान दुर्रानी के ख़िलाफ़ हैं। देखना ये है कि ये जो वॉर हो रही है आखिर ये ख़त्म कहाँ होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट9 लाइफ़।